कई भाई बहने हमको क्वेश्चन पूछते हैं जब मिलते हैं ना, कहते हैं बहन जी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हमारा टाइम ही नहीं मिलता, टाइम की बड़ी प्रॉब्लम, काम ही ऐसा है। हम उनसे पूछते हैं एक बात, बताया हमने पहले भी, तो आप सारे दिन में पानी पीते हो? कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी तो पीते होंगे, और वो टाइम तो निकालते हो ना। कोई भी कड़ा डिक्टेटर होगा तो भी आपको पानी पीने की मना नहीं करेंगे, हक है हमारा। अच्छा, पानी पीते हो उसमें 1 मिनट लगता है? गिलास उठाएंगे, साफ करेंगे, पानी डालेंगे, पिएंगे, और पीने की तो आपको आदत है, मुख में ही जाएगा, नाक में थोड़ी रखेंगे। अभी वो टाइम तो मिलता है, उस टाइम में क्यों नहीं आप अपना चेक करो और चेंज कर लो। अगर मानो वेस्ट थॉट्स है तो चेक किया और चेंज कर लो, वेस्ट के बजाय बेस्ट थॉट्स जो है, शुभ संकल्प मनन, वो शुरू कर दो। इसमें टाइम क्या लगता है? मानो अभी मेरे को व्यर्थ संकल्प चल रहा है, मैं उसको ख़त्म करके बेस्ट संकल्प करने चाहती हूँ, कितना टाइम लगेगा? कहने में भी ज़्यादा टाइम लगा। तो बाबा ने देखो कितनी विद्या, और दूसरा हमने कहा जब खाना हम खाते हैं उस टाइम तो अकेला ही खाएंगे ना, कोई कभी पार्टी की वो बात दूसरी है, लेकिन 3 बारी तो खाते हो, 4 बारी खाते हो, और खाने में तो 15-20 मिनट लग ही जाता है। उस समय सिर्फ बातें नहीं करो, अगर खाने का 4 टाइम भी आप 15-15 मिनट अपने पुरुषार्थ करो, मनसा सेवा करो, आपका 1 घंटा तो हो ही जाएगा। जो पर्सनल समय हमारा है, जिसको कोई नहीं रोक सकता, चलो नीचे ऊपर हो सकता है, 2 बजे का 4 बजे खाओ, ये हो सकता है, लेकिन खाएंगे तो सही ना। तो अपने पुरुषार्थ की अगर लगन है, अटेंशन है, बाबा की श्रीमत याद है, मुझे बाबा ने जो कहा है वो करना ही है, करेंगे, हो जाएगा, गा गा तो बाबा को अच्छा नहीं लगता। करना ही है, बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, जब आप चाहते नहीं हो बॉडी कॉन्शियस होना, फिर भी बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो, तो कमी क्या है? कमी बाबा ने कहा, संकल्प करते हो, चेकिंग करते हो, लेकिन दृढ़ता की कमी है, और सफलता की चाबी जो है वो दृढ़ता है।